मेरा आशय है हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर विजेंद्र परवाद साहब से, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उन्हें आमंत्रित कीजिएगा। मैं केवल ये कहता हूं डॉक्टर साहब के बारे में कि तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए। गाजियाबाद वालों, क्या है विजेंद्र परवाद साहब? तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए, तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। एक बार भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा परवाद साहब। साथियों, बड़ी खूबसूरत महफिल, बड़ा उम्दा संचालन प्रवीण शुक्ल का, खूब हसीन तरीन शायरात, खूबसूरत शायर, सुनने वालों का तो कोई जवाब ही नहीं, और माहौल साजगार। भाई पृथ्वी सिंह कसाना जी का जन्मदिन यो में पैदाइश, बहुत बहुत मुबारकबाद उन्हें। कल बहुत दूर था बहुत, जब इसका पता चला राज कौशिक ने बताया तो वहीं से एक शॉल खरीदा मैंने भाई पृथ्वी सिंह जी के लिए। यहाँ उनके सम्मान की भीड़ थी, मैं दबा रहा वो शॉल उन्हें उड़ा दूँ। एक मिनट की माफ़ी आपसे चाहूँ, उसके बाद आपको शायरी से जोड़ूँ। आइए, देखिए ये बड़ी खुशी की बात है कि पृथ्वी सिंह कसाना जी के परिवार के सब लोग उपस्थित हैं यहाँ, उनका पूरा परिवार, पत्नी हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि बहन भी आई हुई हैं। एक बार तालियां बजाकर आप स्वागत जरूर कर दें। और ये हमारा प्यारा गोल्डी यहाँ बैठा हुआ है, बॉबी भाई हैं, विभू बंसल, संदीप सिंगल जी, आशु तो लगातार इस स्थिति में बैठा है कि एक सीट उसके हिस्से की किसी ना किसी को मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे शेर आपने सुने हैं, मुमताज जी ने सुनाए, सीता जी ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, राज कौशिक ने सुनाए, मैं भी 24 घंटे आपकी खिदमत में हूँ। बस इस बात की तो मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने शायरी के अलावा कुछ भी नहीं किया, सारी उम्र नहीं किया, और अब भी सोने होने का तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। और ऊपर वाले ने संभाला, वसीम भाई ने इसी हॉल में मेरे बारे में एक बात कही थी कि बाहर की दुनिया का पता नहीं रखा है, अंदर की दुनिया में रहे। तो मेरा ये कोई परिचय नहीं है कि मैं कौन से पद पे रहा, मुझे क्या इनाम मिला, बस मेरी शायरी है और वो आपके दिलों तक जाए, यही मेरा मकसद और कुछ नहीं। बहुत अच्छे, सुनिए, बहुत अच्छे स्वागत। मैं कल सोच रहा था बैठा बैठा जहाज में जब आया कि ये 4 साल में राज कौशिक ने मुझे, कसाना जी ने बुलाया, ये मेरा 38वां प्रोग्राम है आज आपके शहर में, 16 जनवरी 2016 से ये 38वां प्रोग्राम है, और 38 के 38 में मैंने नए शेर आपको सुनाए हैं, आज भी बिल्कुल नए शेर आपको सुनाए। सुनिए, यही काम कितना मुश्किल है, मैं पुराना पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ हुक्म इलाही है कि मैं नया आपके, आपको रोज नया रखूं, आपको रोज नया रखूं। सुनिए, कैसे महके हवा फूलों में जो खुशबू न बचे, कैसे कैसे महके हवा फूलों में जो खुशबू न बचे, कुछ बचेगा भी अगर मैं ना बचूं तू ना बचे। वाह, कुछ बचेगा भी। वाह, मैं कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर सकता जिंदगी में, क्यों मुझे मोर्चे पे भी आप ले जाएं। मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था, लंदन में पढ़ा, इंग्लैंड में, भाई वसीम ये शेर सुन लीजिए, बीच में आ गया मतला गजल का, कि जंगो जदल के दौर में दस्ते निशात से, युद्धों के दौर में उसी कोमल हाथ से, जंगो जदल के दौर में दस्ते निशात से, जुल्फों को छू रहा हूं बड़ी एहतियात से, जुल्फों को छू रहा हूं बड़ी एहतियात से। वाह वाह, तो मरने वाला कोई कौम नहीं रखता, कोई मजहब नहीं रखता, कोई राष्ट्र नहीं रखता, वो इंसान है और इंसान की हिफाजती शायरी है। कैसे महके हवा फूलों में जो खुशबू न बचे, कुछ बचेगा भी अगर मैं ना बचू तू ना बचे, लूट दुनिया मुझे इनकार नहीं है, लेकिन
लूट लूट दुनिया, मुझे इनकार नहीं है लेकिन ऐसा मत लूट मेरी आंख में आंसू न बचे, ऐसा मत लूट मेरी आंख में आंसू न बचे, और तुझको पाने के लिए यूं मेरा दिल खोया है, तुझको पाने के लिए यूं मेरा दिल खोया है, रात हो दिन हो तेरे गम को बहुत ढोया है, रात हो दिन हो तेरे गम को बहुत ढोया है। दोस्तों शेर सुनिए, पहले कातिल ने मेरी आंखों में आंखें डाली, पहले पहले कातिल ने मेरी आंखों में आंखें डाली और फिर चूम के खंजर को बहुत रोया है। पहले कातिल ने मेरी आंखों में पहले कातिल ने मेरी आंखों में आंखें डाली और फिर चूम के खंजर को बहुत रोया है। और शेर का एक दो पल के लिए वक्त की गर्दिश रुक जा, एक दो पल के लिए वक्त की गर्दिश रुक जा, मेरे सीने पे वो सर रख के अभी सोया है, मेरे सीने पे वो सर रख के अभी सोया है। भाई तालियां जरा एक बार जोरदार होनी चाहिए। एक दो पल के लिए वक्त की गर्दिश रुक जा, दोस्तों शेर सुनिए, एक दो पल के लिए वक्त की गर्दिश रुक जा, मेरे सीने पे वो सर रख के भी सोया है। दोस्तों शेर सुनिए, भीड़ ही भीड़ का आलम है किधर जाओगे, भीड़ भीड़ ही भीड़ का आलम है किधर जाओगे, मेरी बाहों से निकल कर भी किधर जाओगे, भीड़ ही भीड़ का आलम है जिधर जाओगे, भीड़ ही भीड़ का आलम है जिधर जाओगे, मेरी बाहों से निकल कर भी किधर जाओगे। अब ये समझे हो मोहब्बत में बहुत खतरा है, अब ये समझे हो मोहब्बत में बहुत खतरा है, मैं तो पहले ही ये कहता था कि डर जाओगे, मैं तो पहले ही ये कहता था कि हाय हाय। अब ये समझे हो मोहब्बत में बहुत खतरा, अब ये समझे हो भाई वाह वाह, अब ये समझे हो मोहब्बत में बहुत खतरा है, मैं तो पहले ही ये कहता था कि डर जाओगे। दोस्तों शेर सुनिए, प्यार की डोर को हर हाल संभाले रखिए, प्यार प्यार की डोर को हर हाल संभाले रखिए, मिलने जुलने की कोई राह निकाले रखिए, प्यार की डोर को हर हाल संभाले रखिए, मिलने जुलने की कोई राह निकाले रखिए, जाने किस सिमत से आ जाए हवा का झोंका, जाने किस सिमत से आ जाए हवा का झोंका, बंद कमरों के सभी खोल के ताले रखिए, बंद कमरों के, शायरी सुना रहा हूं आपको मैं, बंद कमरों के सभी खोल के ताले रखिए, और ठीक है रास्ते बदलेंगे यहीं से अपने, ठीक है रास्ते बदलेंगे यहीं से अपने, फिर भी हाथों में जरा हाथ तो डाले रखिए, ठीक है रास्ते बदलेंगे यहीं से अपने, फिर भी हाथों में जरा हाथ तो डाले रखिए। और एक दो शेर सलीके से गजल का कह लूं, एक दो शेर सलीके से गजल का कह लूं, अपने चेहरे पे अभी जुल्फ को डाले रखिए, अपने चेहरे पे अभी जुल्फ को डाले रखिए, एक दो शेर सलीके से गजल का कह लूं, अपने चेहरे पे भी जुल्फ को डाले रखिए। और दोस्तों शेर सुनिए, अपने जब तेरे प्यार को इस दिल में बसाया मैंने, वसीम साहब शेर सुनिए, जब तेरे प्यार को इस दिल में बसाया मैंने, यूं लगा जैसे कोई फूल खिलाया मैंने, जब तेरे प्यार को इस दिल में बसाया मैंने, यूं लगा जैसे कोई फूल खिलाया मैंने, जिन चरागों से जलाए थे तेरे प्यार के खत, जिन चरागों से जलाए थे तेरे प्यार के खत, उन चरागों को कभी फिर न जलाया मैंने, उन चरागों को कभी फिर न जलाया मैंने, जिन चरागों से जलाए थे तेरे प्यार के खत।
जब तेरे प्यार जब तेरे प्यार को दोबारा पढ़िए परवाज साहब दोबारा पढ़िए जब तेरे प्यार को इस दिल में बसाया मैंने यूं लगा जैसे कोई फूल खिलाया मैंने जिन चरागों से जलाए थे तेरे प्यार के खत उन चरागों को कभी फिर न जलाया मैंने और जो तेरे प्यार का हासिल कोई पल हो जाए एक पल मोहब्बत का मिल जाए दोस्तों एक सदी है कहा मैंने जो तेरे प्यार का हासिल कोई पल हो जाए एक गम सैकड़ों खुशियों का बदल हो जाए एक गम सैकड़ों खुशियों का बदल हो जाए बैठकर तुझसे जरा देर जो बातें कर लूं संतोष यादव जी शेर सुनिए बैठकर तुझसे जरा देर जो बातें कर लूं मेरा छप्पर ही मुझे ताजमहल हो जाए बैठकर तुझसे जरा देर जो बातें कर लूं बैठकर तुझसे जरा देर जो बातें कर लूं मेरा छप्पर ही मुझे ताजमहल हो जाए और इश्क की राह में जितने भी सितम आए हैं दोस्तों बदकिस्मती है कि शायरी का दौर नहीं है और भगवान की इच्छा है कि हम शायरी कर रहे हैं शेर सुनिए इश्क की राह में जितने भी सितम आए हैं सब को इस दिल पर उठाते हुए हम आए हैं वाह इश्क की राह में जितने भी सितम आए हैं सब को इस दिल पर उठाते हुए हम आए हैं सारी दुनिया के खजाने हैं मेरी ठोकर में सारी दुनिया के खजाने हैं मेरी ठोकर में मेरे हिस्से में तेरी जुल्फ के खम आए हैं मेरे हिस्से में तेरी जुल्फ के खम आए सारी दुनिया के खजाने हैं मेरी ठोकर में मेरे हिस्से में तेरी जुल्फ के खम आए हैं और इश्क इश्क में तेरे तसव्वुर को सहारा करके मजनू एक कुत्ते को भी चूमता था तो लैला का तसव्वुर था उसमें हाँ। राम एक पक्षी को भी देखते हैं तो सीता का तसव्वुर है उसमें आपको याद है महर्षि पाराशर ने जब मत्स्यगंधा के हाथ को छूना चाहा तो लड़की ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप दिन का उजाला है कोई देख लेगा तो क्या होगा तो महर्षि ने सारी शक्तियों को केंद्रित किया और सूरज पे बादलों को ढक दिया सूरज को बादलों से आच्छादित कर दिया तब दिनकर ने कहा था तिमरा छन्न मेघ वेधन में जो समर्थ होती है युवती के उज्जवल कपोल पर वही दृष्टि सोती है तो ये शायरी है ये बकवास नहीं है मैं आपको सुना रहा हूं सुन लीजिए इश्क में तेरे तसव्वुर को सहारा करके मैंने देखा है हर एक जुल्म गवारा करके मैंने देखा है हर एक जुल्म गवारा करके फिर मुझे अपनी तरफ खींच रही है दुनिया फिर मुझे अपनी तरफ खींच रही है दुनिया रोक ले तू मुझे आंखों का इशारा कर फिर मुझे अपनी तरफ खींच रही है दुनिया रोक ले तू मुझे आंखों का इशारा करके और आखिरी कते के दो शेर फिर एक गजल के पांच शेर छुट्टी ये दो शेर खास तौर से वसीम साहब सुने कहा है कि जिसने छोड़ा ना मुझे मंजिले रुसवाई तक जो बदनामियों में भी आपके साथ है बदनामियों में लोग अलग हो जाते हैं अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं जिसने छोड़ा ना मुझे मंजिले रुसवाई तक वो मेरे साथ रहेगा मेरी तन्हाई तक जिसने छोड़ा ना मुझे मंजिले रुसवाई तक वो मेरे साथ रहेगा मेरी तन्हाई तक और तूने साहिल पे जरा देर बदन खींचा था तूने साहिल पे किनारे पे और मौज माने लहर तूने साहिल पे जरा देर बदन खींचा था ले गई मौज उठाकर तेरी अंगड़ाई तक ले गई मौज उठाकर तेरी अंगड़ाई तक तूने साहिल पे जरा देर बदन खींचा था ले गई मौज उठाकर तेरी अंगड़ाई तक आखिर में दोस्तों एक ताजा गजल के चार पांच शेर मुस्कुराहट तेरे होठों पे सजाने के लिए सुन लीजिए जी मुस्कुराहट मुस्कुराहट तेरे होठों पे सजाने के लिए मैं हूं तैयार हर एक गम को उठाने के लिए मुस्कुराहट तेरे होठों पे सजाने के लिए मैं हूं तैयार हर एक गम को उठाने के लिए और क्यों उतारू है तुझे मुझसे अलग करने पर
क्यों उतारू है तुझे मुझसे अलग करने पर, क्या नहीं और कोई काम जमाने के लिए। क्यों उतारू है तुझे मुझसे अलग करने पर, क्या नहीं और कोई काम जमाने के लिए। दोस्तों से सुनिए, बेवफा कह के मुझे और ना शर्मिंदा कर, बेवफा बेवफा कह के मुझे और ना शर्मिंदा कर, सारी दुनिया से लड़ूंगा तुझे पाने के लिए। सारी दुनिया से लड़ूंगा तुझे पाने के लिए, बेवफा कह के मुझे और ना शर्मिंदा कर, सारी दुनिया से लड़ूंगा तुझे पाने के लिए। रूठ जाने का मुझे भी तो कोई मौका दे, गजल है दोस्तों, बात करती है गजल। रूठ जाने का मुझे भी तो कोई मौका दे और फिर बैठ मेरे पास मनाने के लिए। रूठ जाने का मुझे भी तो कोई मौका दे, बहुत अच्छा है। रूठ जाने का मुझे भी तो कोई मौका दे और फिर बैठ मेरे पास मनाने के लिए, और अपने आंसू मेरी आंखों के हवाले कर दे, अपने आंसू मेरी आंखों के हवाले कर दे, मैं अकेला हूं बहुत रोने रुलाने के लिए। मैं अकेला हूं बहुत रोने रुलाने के लिए। शेर का है, काश हो जाए कोई शेर मेरा ताजा गुलाब। वाह वाह वाह, काश काश हो जाए कोई शेर मेरा ताजा गुलाब, पेश कर दूं तुझे बालों में सजाने के लिए। वाह वाह, पेश कर दूं तुझे, काश शायरी वहां सिमट के आ जाए, पेश कर दूं तुझे बालों में सजाने के लिए। और दोस्तों ये अलग बात, मेरे कत्ल पे चुप थे वरना, दो शेर गजल के एक मक्ता है। ये अलग बात, मेरे कत्ल पे चुप थे वरना, लोग काफी थे वहां शोर मचाने के लिए। लोग काफी थे वहां शोर मचाने के लिए, और मेरे अल्लाह मुझे किस लिए पैदा करके। शेर सुनिए, नया शेर दोस्तों, मेरे अल्लाह मुझे किस लिए पैदा करके, रास्ता खोल दिया मौत के आने के लिए, रास्ता खोल दिया मौत के आने के लिए। मेरे अल्लाह मुझे किस लिए पैदा करके, रास्ता खोल दिया मौत के आने के लिए। मक्ते का शेर हजरत सुन लीजिए, क्यों किसी और को इल्जाम से जोड़ूं परवाज, क्यों किसी और को इल्जाम से जोड़ूं परवाज, मेरे आमाल बहुत मुझको मिटाने के लिए। मेरे आमाल बहुत, शुक्रिया, मुझको मिटाने। जी वो बता रहे हैं, अभी जान ही रहे हैं। अच्छा, दो शेरों का मुझे हुक्म हुआ है भाई राज कौशिक का, उनके संयोजन है, उनके हुक्म को तो मान। यूं भी रुसवा, वो सोशल शायरी मेरी अलग अलग है। मैं सोसाइटी से भी गुजर कर जब आया तो मुझे पता चला कि जो सूफीज्म है, तसव्वुफ है, वही कविता है, वही शायरी है। सुन लीजिए दो तीन शेर। यूं भी रुसवा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा। मैंने पहले भी दोस्तों कहा कि मनुष्य सारा जीवन भय 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 में काटता है, यहां तक बच्चा पैदा भी तब होता है जब बंदूक की आवाज सुनाई जाए उसे। हाँ, भय ग्रस्त, अभी टेलीफोन आए, खत आए, एकदम हम एकदम भयभीत हैं। और जब कुछ अच्छा समाचार सुन लेते तब थोड़ा सा संभलते हैं, और अगर कोई कहते एक बात और सुनना, फिर परेशान हो जाते, इतना भयपूर्ण जीवन है। हाँ, तो मैंने कहा यूं भी रुसवा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, यूं भी रुसवा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, जहन से निकला तो मेरे दिल में घर करता रहा। वाह वाह वाह, जहन से निकला, अगर आज रास्ते में आपको सांप मिल जाए और आपके जहन में बच गया तो दिल कमबख्त कहता है फिर आ सकता है, ये बड़ी गड़बड़ी है। हाँ, कि एक बार चोरों से बच जाए कि यार ये फिर भी तो मिल सके, हम भय के बगैर रह ही नहीं सकते। तो मैंने कहा यूं भी रुसवा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, जहन से निकला तो मेरे दिल में घर करता रहा, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए। कमाल शेर है, गरीबी, जब अमीरी में
अब तो सारी चीजें हैं दोस्तों, कोट पैंट भी है, टाई भी है, कोठी मकान पकान ऐसी की तैसी सब कुछ है, लेकिन जब ये कुछ भी नहीं था। यू भी रुसवा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, जहन से निकला तो मेरे दिल में घर करता रहा। जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। और एक शेर राज कौशिक ने कहा, ये दो तीन शेर पढ़े देता हूं इस गजल के। लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए, बहुत कमाल की गजल। सुनिए, मुझे एक शायर थे उर्दू में नशूर वाहिदी, उन्हें एक शॉल मिला एक मुशायरे में मेरठ के नौचंदी में, और जब मैंने गजल पढ़ी, पहली गजल है, तो उठे वो शॉल मुझे उड़ाया और मैंने देखा कि उनकी आंखों में नमी महसूस थी। मैं तो लड़का ही था जो उनका, बेटे क्या कहने, शेर कहते रहिए, शायरी करते रहिए। वो लोग सब मुझे आज भी याद हैं, बड़े बड़े प्यारे मुशायरे होते थे। लब पे बात आई, कोई दीवाना कोई पागल हंस गया, उठ गया, चला गया। लब पे बात, दाना ही माने बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअलिटी। जब लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए, एक तरफ बैठे रहे सब अपनी दानाई लिए, सब बुद्धिमत्ता, एक तरफ बैठे रहे सब अपनी दानाई लिए, दो पहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ। कमाल है। दो पहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए, दो पहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए, खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ, खोल कर बालों को अपने। मैंने एक बार हिंदी में, मेरी एक किताब है दोस्तों भगत सिंह, उसमें एक जगह मैंने कहा हिंसा हिंसा कहा है, नेचुरल है, आप बेडशीट से उठते हिंसा शुरू हो गई, आप अंगड़ाई नहीं लेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। तो वहां मैंने एक जगह, खुले खुलाए दो नेत्रों से अगर काम चल जाए, जब से हिंदुस्तान में हिंदी उर्दू आई अकेला आदमी हूं मैं जो दोनों बैलेंस में किसी को मिली है, उर्दू और हिंदी दोनों, दूसरा नाम ही नहीं है। क्योंकि उर्दू में मैंने कतात से, नज्मों से, शायरी से, गजल कहते कहते नातिया कलाम तक कहा है, हिंदी में खंड काव्य महाकाव्य तक मैं आया हूं। तो वहां मैंने चार पंक्ति की, तब इस शेर को सुनाऊं। खुले खुलाए दो नेत्रों से अगर काम चल जाए, फिर किस लिए भला शिव अपना नेत्र तीसरा खोले। खुले खुलाए, ये हिंदी है मेरी, खुले खुलाए दो नेत्रों से अगर काम चल जाए, फिर किस लिए भला शिव अपना नेत्र तीसरा खोले, फिर क्यों भीम गदा को थामे अर्जुन धनुष उठाए, अगर द्रौपदी निज केशों को गंगा जल से धोले, अगर द्रौपदी निज केशों, वो तो खून मांग रही है दुर्योधन का। तो मैंने कहा खोल कर बालों को अपने, आवेश नहीं मुस्कुरा कर छत पे आ, खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ, एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई दिए, एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई, जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए, खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ, एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए। शेर सुन लीजिए, किससे पूछूं अपनी दो आंखों में मेरे रूबरू, ये है शायरी, देखिए क्लाइमेक्स ऑफ डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं, यानी तयशुदा हालात की पराकाष्ठा तकमील। किससे पूछूं अपनी दो आंखों में मेरे रूबरू, कौन बैठी है ये सो झीलों की गहराई लिए, कौन बैठी है ये सो झीलों की गहराई लिए, और तेरे आने की खबर फैली है पूरे शहर में, तेरे आने की खबर फैली है पूरे शहर में, कैसे देखूंगा तुझे कमजोर बिनाई लिए, कैसे देखूंगा तुझे कमजोर बिनाई लिए। दोस्तों आखिर में
अपनी संपूर्ण शायरी में इतनी 42-44 किताब सिताब ऐसी तैसी सब में एक गजल पसंद है, बस एक गजल कुल मुझे अपनी पसंद है, ओनली वन। 11,000 कही अब तक मैंने, सब फेंको, एक गजल सुन लीजिए बस। और भगवान ने कहलवाया एक शेर कि जिसे कहने की खातिर जी रहा हूं, जिसे कहने की खातिर जी रहे हैं, हमारी वो गजल भी सुन के जाना। दोस्तों मेरी जरूरत बन गई शायरी, अगर मैं असलियत पे आ जाऊंगा तो जितने फिर रहे ना मुशायरे कोई सम्मेलन में, इनमें 30% वापिस लौट जाएंगे जो मुझसे लेके जा रहे हैं गजलें। हाँ, क्योंकि मैं इमले की तरह गजल बोलता हूँ, डेढ़ दो मिनट लगती है मुझे। मैं तो चाहता हूँ वसीम साहब इस इम्तिहान को भी कराएं कि 50 आदमी मिसरे बोलने मैं बराबर गजल कहता जाऊं। उसकी बड़ी और बहुत ही करम फरमाइयां हैं, सुन लीजिए मैं आखिर में एक शेर। जब्त का पास दिलाने वाले एक जंगल में शेर देखकर जब लौटे अफ्रीका से कीनिया से, तब मैंने डॉक्टर वसीम बरेलवी को ये शेर सुनाए थे, क्योंकि उन्होंने मुशायरों की आबरू बचाई, मुशायरों के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा, इसके किरदार को गिरने नहीं दिया। वसीम ने सबसे बड़ा काम ये किया, वो बैठेंगे उठेंगे मुशायरों के, और उसी उसका भी इंप्रेशन मेरी शायरी पे है। मैंने कहा जब्त, जब्त मैंने सहन करो सहन करो सहन करो सहन करो, जब्त का पास दिलाने वाले क्या तरकीब निकालू मैं, आंसू पोंछूं दिल को थामू या जंजीर संभालू मैं। वाह सुनिए शायरी, वाह वाह। जब्त का पास दिलाने वाले क्या तरकीब निकालू मैं, आंसू पोंछूं दिल को थामू या जंजीर संभालू मैं, गहरा तीर लिए सीने में कैसे बस्ती पार करूं, गहरा तीर लिए सीने में कैसे बस्ती पार करूं, और ये भीगा जिस्म लहू में किसके दर पर डालू मैं। वाह। और ये भीगा जिस्म लहू में किसके दर पर डालू मैं, और हर खंजर की धार लिए है तेरी नजर की बारी की। वाह वाह। हर खंजर की धार लिए है तेरी नजर की बारी की, हर कातिल मंसूब तुझी से किसका नाम उछालू मैं, हर कातिल मंसूब तुझी से किसका नाम उछालू मैं। दोस्तों शेर सुनिए, जैसे तेरी याद ने मुझको सारी रात जगाया है, जैसे तेरी याद ने मुझको सारी रात जगाया है, तेरे दिल पर क्या बीते जो तेरी नींद चुरा लूं मैं। जैसे तेरी याद ने मुझको सारी रात जगाया है, तेरे दिल पर क्या बीते जो तेरी नींद चुरा लूं मैं। और दोस्तों जितने लोग मिले भूखे हैं सब इज्जत अफजाई के, कितना ही बेवकूफ आपको मिलेगा पांव आगे करा छू से, पांव आगे कर। हम अपने बच्चों की गलत फहमी में डाल रहे हैं, कोई भी आता है इसके पांव छू, किस लिए क्या जरूरत है, बच्चे को नेचुरल रहने दीजिए आप। कहा है कि जितने लोग मिले भूखे हैं सब इज्जत अफजाई के, आखिर अपना छोटा सा सर किन कदमों में डालू मैं, आखिर अपना छोटा सा सर किन कदमों में डालू मैं। और आखिरी शेर जो मेरा रंग है, छोड़ के तेरी जुल्फ का साया इस दुनिया का हो जाऊं, छोड़ के तेरी जुल्फ का साया इस दुनिया का हो जाऊं, एक बीमारी से बचने को 100 बीमारी पालू मैं, एक बीमारी से बचने को 100 बीमारी पालू मैं, छोड़ के तेरी जुल्फ का साया इस दुनिया का हो जाऊं, एक बीमारी से बचने को 100 बीमारी पालू मैं। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार